स्वागत है आपका आप ही के अपने YouTube चैनल वी आई टेक वर्ल्ड पे। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे बोया BY-M1 माइक्रोफोन के बारे में। दोस्तों, ये माइक्रोफोन जो ये माइक हैं, इसको काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर्स इस्तेमाल करते हैं। और ये इसकी खासियत ये है कि ये बहुत चीप प्राइस में, बहुत कम प्राइस में, अफोर्डेबल प्राइस में ये मिल जाता है, तो इसको नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं कोई भी परचेज करके। तो बने रहिए आप वीडियो के साथ, और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और काफ़ी दिनों बाद हम इस चैनल पे एक वीडियो लेकर आए हैं, तो थोड़ा सा बिज़ी होने के कारण हम वीडियो नहीं बना पा रहे। तो फिलहाल चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और बात करते हैं इस माइक के बारे में, पूरी जानकारी देंगे, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, एक बार अनबॉक्स कर लेता हूँ, देखते हैं क्या है इसके अंदर, क्या क्या मिलता है हमको, और लास्ट में मैं आपको इसकी साउंड क्वालिटी का एक आपको सैंपल भी आपको लास्ट में दूंगा, और साथ में इसकी प्राइस भी मैं आपको बताऊंगा, और इसका क्या क्या यूज़ हो सकता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो के साथ बने रहें, इसको ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने पे हमको देखो, एक तो ये पाउच मिल जाता है, ब्लैक पाउच, इसके अंदर हमारे सारे वो जो माइक्रोफोन से संबंधित जो भी हैं वो सब मिलेंगे। इसके साथ ये डॉक्यूमेंटेशन का भी कुछ इसमें मिलता है, जिसके बारे में अपने को पूरी डिटेल में जानकारी लिखी हुई है कि आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इसको साइड में रखते हैं, क्योंकि मैं आपको पूरी जानकारी वैसे भी दे ही रहा हूँ इसके अंदर। तो इसके बाद हम इसको रख लेते हैं इस तरह, और इसके अलावा हम देख लेते हैं अगर और कोई इसके अंदर कुछ आया है तो। बोया की तरफ से स्टिकर आते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, स्टिकर वगैरह देता है, चलिए इसको भी साइड में रख लेते हैं। और बाकी सब डॉक्यूमेंटेशन है और कुछ नहीं है, और देख लेते हैं। चलिए फिलहाल और कुछ नहीं, इस डब्बे को रखते हैं हम साइड में और मेन बात कर लेते हैं हमारे इसके। तो इस पाउच को जैसे हम ओपन करते हैं, तो पाउच में हमें देख लेते हैं क्या मिलता है। पाउच रखते हैं साइड में, ये पाउच एक्चुअली में दोस्तों, ये पाउच इसीलिए दिया जाता है कि हम इसको कैरी करके कहीं पर भी लेके जा सकते हैं और अच्छे से इसको हम सेव करके रख सकते हैं। इसलिए पाउच भी अच्छी क्वालिटी का है, बहुत ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम कहीं भी माउंट भी कर सकते हैं, जैसे ये लटकने वाला है साथ में, तो कहीं भी माउंट कर सकते हैं। चलिए इसको साइड में रखते हैं। अब उसके बाद हम इसमें बात करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं पहले। इसमें हमको देखिए, ये जो इसमें हमको एक सेल मिलता है, सेल के बारे में आपको बताऊंगा अभी। सेल मिलता है, इसको साइड में रखते हैं, पाउच के ऊपर रख लेते हैं सेल को। तो इस सेल, हाँ, एक सेल है, इसको हम रखते हैं। और ये एक कनेक्टर मिलता है साथ में, ये है ना, स्पेशली जब PC लैपटॉप वगैरह में यूज़ होता है ये माइक, तब ये इस्तेमाल होता है। तो इसके ऊपर फिर कभी हम बात करेंगे, क्योंकि फ़िलहाल मेरे पास मोबाइल है, मोबाइल के बारे में मैं बात करूँगा। तो मोबाइल में ये कैसे इस्तेमाल होता है उसके बारे में आपको, एक तो ये कंडक्टर जो है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये स्पेशली PC लैपटॉप के लिए, जैसे मैंने आपको बताई दिया है, और इसको हम साइड में रखते हैं। और ये हमारा जो मेन, हमारा जो जिसके ऊपर हमें फोकस रहेगा, ये देखिए मैं आपको जूम करके बताता हूँ। इसमें ये बीच में एक कंडक्टर आता है, जिसमें मतलब पूरा कंट्रोल होता है। तो मैं आपको जूम करके अगर बताऊं, अगर आप देख पा रहे हैं तो इसमें एक बटन है, रेड बटन है, ब्लैक बटन है, माफ़ कीजिएगा। तो इसको जैसे हम ऊपर रखते हैं, और नीचे ग्रीन होता है और ऊपर रेड है, जैसे कि इसको ऊपर रखते हैं तो ये कैमरे मोड में चला जाता है। मान लीजिए हम DSLR और कैमरे में यूज़ करना, तो ये काम आता है। और अगर हम इसको नीचे कर देते हैं तो ये है ना स्मार्ट मोड, स्मार्टफोन पर आ जाता है। देखिए यहाँ पे स्मार्टफोन नीचे लिख रखा है, और कैमरा मोड जो है ऊपर लिख रखा है। तो ऊपर रखेंगे तो कैमरा मोड में चला जाएगा, नीचे रखेंगे हम स्मार्ट मोड फ़ोन पे ऊपर चला जाएगा। तो अगर हमें इसको मोबाइल में यूज़ करना है स्मार्टफोन पे, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। जो सेल, जो ये सेल आया है, जो जैसा मैंने आपको बताया ये सेल है, इस सेल की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको ओपन करता हूँ, देखिए इसको ओपन करने पे ये सेल यहाँ लगता है दोस्तों। यहाँ हम ऐसा करते हैं स्प्रिंग को, तो इसमें ये सेल लग जाता है। फिर हम इसको कैमरे के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल इसको बंद कर देते हैं, अभी कैमरे के साथ इस्तेमाल नहीं करना है, मोबाइल के साथ मैं आपको कैसे यूज़ करना बताऊँगा। तो और इसके साथ ही देखिए ये के तार भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, 20 मीटर का है, मैंने चेक किया था, 20 मीटर की ये पूरी केबल इसके साथ मिल जाती है। इसमें देखिए हम ब्लॉग बना सकते हैं, या फिर कॉमेडी का किसी का चैनल है तो वो भी हम बना सकते हैं, कॉमेडी का चैनल होता है तो उसके लिए भी यूज़ हो सकता है, क्योंकि तार बहुत बड़ा है दोस्तों, देखिए बहुत लंबा तार है इसका। तो हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसमें आगे हमको 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाता है, जो कि आगे ये मोबाइल में ऐसे मोबाइल का ये मोबाइल का जो 3.5 mm का जो ऑडियो जैक है, जैक के साथ हम इसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, तो ये मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाता है। और यहाँ पर ये
ईयरफोन के रूप में हमारे साथ ये कनेक्ट हो जाता है, फिर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अभी बताऊंगा आगे मैं आपको। और ये केबल हो गई, और इसके साथ ही ये मेन चीज़ है, ये माइक, ये जो माइक है ये सब काम करता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि ऑडियो जो हमारा होता है, हमारी जो वॉइस होती है, यही कनेक्ट करके रिकॉर्ड करता है। और इसके साथ ये एक क्लिप मिल जाता है साथ में, इसको मैंने अटैच करके रखा है पहले से ही, इसको ऐसे जैसे प्रेस करके अंदर डालते थे, कनेक्ट हो जाता है इसके साथ। फिर इसको क्या होता है कि कनेक्ट होने के बाद हम इसको अपने शर्ट में या फिर टी शर्ट में जो भी हमने पहन रखा होता है उसके ऊपर अपने से ऐसे डाल सकते हैं, ऐसे इस तरीके से पकड़ के हम रख सकते हैं ताकि वो हिले नहीं और हमारी आवाज़ एकदम सही से रिकॉर्ड हो। एक ये ऊपर और मिल जाता छोटा सा रबर टाइप का, तो इसको ना इसके ऊपर ऐसे पेस्ट कर देते हैं ताकि ना जो वॉइस का जो कभी कभी नहीं होता, हम वो बोलते हैं तो हमारी आवाज़ में वो कभी साथ में हवा चली जाती है या फिर आसपास की जो हवा होती है वो भी रिकॉर्ड हो जाती है। तो ये इसके ऊपर रखने से मतलब इसके ऊपर हम जैसे ऐसे लगा लेंगे ऐसे करके, और इसको हम ऐसे लगा के इस तरीके से ये ऐसे हम अपने टी शर्ट में या फिर शर्ट में हम अपने ऐसे इसको ऑन कर देते हैं, उसके बाद हम ऐसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये इसके ऊपर लगाना है। उसके बाद में हमको कैमरा मोड और स्मार्टफोन मोड मैंने आपको बताया, तो नीचे करके रखना है। जैसे ही हम नीचे करके रखेंगे तो ये कैमरा मोड में आ जाएगा और हमको सेल की ज़रूरत नहीं होगी। इसको मैं कनेक्ट करके बताता हूँ आपको। ये मोबाइल मैंने लिया है 3.5 mm ऑडियो जैक को इसके अंदर हमको कनेक्ट कराना है। ये मैंने इसके अंदर कनेक्ट किया, अब ये कनेक्ट हो गया है, ठीक है, इसके साथ अब कनेक्ट हो गया है। तो इसको हम ओपन कर देते हैं, तो ये ऑन हो गया है। अब हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, मान लीजिए हम कैमरा ले लेते हैं, कुछ भी कैमरा ले लेते हैं, तो हम कैमरे के साथ हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये देखिए इसको माउंट करके हम अपने टी शर्ट पे माउंट करके चिप करके रख सकते हैं या फिर अपने शर्ट पे। उसके बाद हम जैसे ही कुछ बोलेंगे और रिकॉर्ड करता जाएगा, और अच्छी क्वालिटी है। तो ये था पूरा इसका ये जो बोया BY-M1 जो माइक है उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ये थी। अब दोस्तों माइक तो के बारे में सारी बात हो गई है, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इसकी प्राइस क्या है। तो यूज़ मैंने आपको बता दिया है, आप ब्लॉगिंग के लिए, सिंगिंग के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक कंडक्टर चाहिए होगा सिंगिंग के लिए, उसमें दो जैक आते हैं, तो उसके अंदर अपन जैसे फिट कर लेंगे दोनों जैक, एक ईयरफोन का जैक लगेगा और एक इसका जैक लगेगा, ये 3.5 mm का जो माइक का जो जैक है वो लगेगा। तो उसके साथ लगने के बाद ये अपन सिंगिंग के लिए भी स्टार मेकर या फिर और भी एप्लीकेशन स्मूल वगैरह उस पर हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब प्राइस के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो प्राइस जो इसका है बहुत बहुत सस्ता है, मुझे लगता है कि जिस तरीके की इसकी क्वालिटी है, मैं क्वालिटी का वीडियो के लास्ट में आपको एक क्वालिटी का सैंपल अपने इस वीडियो के साथ अटैच करूँगा, उसको आप सुन के ज़रूर जाइएगा और अपना रिव्यू ज़रूर देना कि आपको ये माइक कैसा लगा। और अगर आपको परचेस करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी इसका पेस्ट कर दूँगा, वहाँ से आप जाके इसको परचेस कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है। तो इसमें दो वेरियंट आते हैं दोस्तों, अगर आप डायरेक्ट अमेज़ॉन पे जाके सर्च करते हैं तो एक तो बोया BY-M1 आता है और एक आता है बोया BY-M1 Pro। तो मुझे अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन दूँ तो मुझे प्रो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज उसका नाम प्रो तो है, ये बात अलग है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि अगर नाम प्रो है तो वो अच्छा होगा। और उसकी जो प्राइस है इससे जस्ट डबल है, ये भी एक रीज़न है, क्योंकि ज़्यादा फीचर ऐसा कुछ है नहीं। और एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो इसमें ना फेक प्रोडक्ट भी बहुत सारे आते हैं बोया में नहीं कह रहा हूँ, बोया का नाम लेकर अदर जो कंपनियाँ वो फेक प्रोडक्ट बेचती है। तो एक दो जो चीज़ें पकड़ सकते हैं फेक कौन सा रियल कौन सा है उसके बारे में आपको बताता हूँ। इधर जो ये है, इस यहाँ पे लिखा हुआ आएगा सारा इन्फॉर्मेशन, कौन सा मॉडल है, मॉडल नंबर वगैरह A to Z सारी इन्फॉर्मेशन होगी, और फेक में यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ आएगा, ठीक है। और दूसरी बात, हाँ कहा गया ये रहा बोया लिखा हुआ, इसके अंदर नीचे छोटे अक्षरों में ये जो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ ये लिखा हुआ आएगा, हाँ ये छोटे अक्षरों में लिखा हुआ आएगा, और फेक में होता है वो बड़े बड़े अक्षरों में ये लिखा हुआ आएगा। और ये स्टिकर जो है, एक व्यक्ति का स्टिकर ऐसे बना हुआ है, वो इसमें बड़ा है और फेक में छोटा बना हुआ आएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे हम पता कर सकते हैं, और इनकी वेबसाइट के ऊपर भी जाके हम मॉडल नंबर वगैरह डाल के, सीरियल नंबर वगैरह, वहाँ भी हम पता कर सकते हैं कि ये फेक हैं या ओरिजिनल है। तो ये रही बात। अब इसकी प्राइस मैं आपको बताऊँ तो ये मैंने अभी परचेज़ किया 729 रुपीज़ में, ओनली 729 रुपीज़ में।
तो अभी इसकी प्राइस कम है 729 रुपीस, तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो। अभी मैं आपको इस वीडियो में इतना ही छोड़े जा रहा हूँ आपको इस माइक के सैम्पल वॉइस के साथ। आप इसको सैम्पल वॉइस को सुनिएगा और बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा। दोस्तों अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो इसी माइक बोया BY-M1 से रिकॉर्ड की जा रही है, और देखिए नॉइस भी नहीं है, जबकि मेरे आसपास थोड़ा शोर शराबा भी है लेकिन नॉइस ना के बराबर ही आ रही है, क्योंकि मैंने इसको पहले चेक कर लिया था इसलिए मुझे ये पता है, तो इसलिए मैं आपको ये कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये परचेज़ करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके परचेज़ कर सकते हैं। और इस माइक के बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में अगर आपका और कोई सवाल या सुझाव है तो आप ज़रूर बताइएगा, और परचेज़ करना तो आप परचेज़ कर सकते हैं। और भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। चलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहे तो ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और समय भी नहीं मिल पाता है, तो आशा करता हूँ कि आप इस चीज़ को समझेंगे। चलिए तो हम मिलते हैं आपको और किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।